प्रताप सिंह जी, पिता तोले आदरणीय बाबू सुब्रमण्यम सिंह जी, प्रबंधक भाई सुरताप जी, हमारे नए पदाधिकारी के रूप में नई भूमिका में, हालांकि वो नाम के भूखे नहीं हैं, वह जनपद में इस दौर में निर्विवाद जो सभासद के रूप में विभूषित हैं, ऐसे भाई रमेश सिंह जी, हालांकि बहुत ज़्यादा समय अशोक जी के साथ नहीं रहा, विगत एक वर्ष में उन्होंने जो छाप छोड़ी है, ऐसे भाई अशोक सिंह जी, संस्था के भूतपूर्व प्राचार्य भाई बजरंगी सिंह जी, तीनों प्रबंध समितियों से डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, नर्सरी से आए हुए सभी सम्मानगण और इस सभाकक्ष में उपस्थित सभी आचार्य आचार्यगण, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, काफी दिन हो गया आपको यहां कार्य करते, लेकिन विद्यालय के इतिहास से कम लोग परिचित हैं। ये बोर्ड देख रहे हैं, छत्तीस शिक्षा समिति, इसके विषय में आप क्या जानते हैं? तो शायद ये मिलेगा कि दो चार आदमी, दो चार महानुभूतियां, वह इसके विषय में जान सके। पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि बाबू सुब्रमण्यम सिंह, मैं, भाई बाजन सिंह, बाबू सुरताप सिंह, ऐसे ही उंगलियों पे गिने जाने योग्य लोग हैं। आज वह समय आ गया कि आप सब छत्तीस शिक्षा समिति के संबंध में जाने, इसलिए कि आने वाले समय में विद्यालय की बागडोर आप लोगों के ही हाथ में होगी, और जब सारी बारीकियों को जानते रहेंगे तो निश्चित है, जैसा संचालिका ने व्यक्त किया, वह प्रेरणा आपके हृदय में रहेगी। 1944 आज से काफी लगभग 79 वर्ष हो गए, बाबू बेजू सिंह ने अपने कुछ मित्रों के साथ, शिष्यों के साथ इस छत्तीस शिक्षा समेत नामक शिक्षा के जो उनके दिमाग में जो आज हम अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं कि उनको ये पढ़ाया जाए, वो पढ़ाया जाए, सन 44 में उसका बीजारोपण किया। 44 में यस इंटरमीडिएट कॉलेज क्षत्रिया स्कूल के नाम से जाना जाता रहा, और तब ये इस प्रांगण में नहीं था,
यह विद्यालय दरियापुर में किराए की बिल्डिंग में चलता है। 52 में विद्यालय इस पावन भूमि पर स्थानांतरित हुई। बाबू एजू सिंह मलहूम ने शिक्षा का जो अलख जगाया और जब तक उनकी अंतिम श्वास चली तब तक कार्य करते रहे। 6 फरवरी 1971 पूरे महाविद्यालय को स्थापित करने की योजना रचना किए थे, तभी प्रभु ने अपने आगोश में उनको ले लिया। द्वितीय अध्यक्ष के रूप में हमारे बाबू राम सहाय सिंह ने उस मिशन को पूरा करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की और 71 में ही महाविद्यालय संचालित होने लगे। 80 में स्वर्गीय बाबू धनंजय सिंह जी ने बाबू राम सहाय के सपनों, बाबू बेजू सिंह के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया। लेकिन काल की कुछ गति ऐसी रही कि 99 में उनका भी निधन हो गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने, आप सबने हमको सौंपी, करने को लगभग 99 से पद पे हूं, लेकिन लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। हो भी रहा है, हमारे तमाम आचार्य मनीषी वो सेवानिवृत्त होते हैं। एक दौर था जब मैं अध्यक्ष हुआ तो हमको पढ़ाने वाले तमाम अध्यापकगण तब कार्यरत थे, लेकिन आज हमको ये बोध होता है कि पुराने शिक्षक अब नहीं, अब उस दौर से हम सब गुजर रहे हैं कि आप सब या तो छोटे भाई की उम्र के होंगे या पुत्रों के आज के होंगे। आप सबको बहुत गंभीर दायित्व मिला है। मैं खासकर उन अध्यापकों की बात कर रहा हूं जो जिनको अभी पूरी सेवा यहां बितानी, उनके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप सब तैयार हो गए। अब ऐसे विद्यालय के अध्यापक हैं जिसका समाज जैसे ही जानता है, अरे MGS के, तो एक सजग होकर एक दूसरी भावना से आपका सम्मान करता है। हम सब हैं तो होता है कि अरे MGS का प्रबंधन,
राणा प्रताप का प्रवर्तन, तो हमारे ऊपर और ज्यादा दायित्व और सतत उसको पूरा करने के लिए जुटा हो। एक घटना स्मृत हुई है, 99 में जब मैं महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज की परम समिति का अध्यक्ष चुना गया, तब की है वो। मैं यहीं का पढ़ा हुआ भी हूं, हमारे शिक्षण काल के दौरान बाबू सत्यनारायण सिंह मरहूम, जो आदरणीय रमेश सिंह जी के बाबा रहे, वह प्राचार्य थे। फिर उसके बाद बाबू शेषनाथ सिंह जी हुए, उत्तरोत्तर प्राचार्य होते गए। 99 में जब प्रमुखतन में चुना गया अध्यक्ष के रूप में, तो सर्वप्रथम मैंने एक नक्शा बनवाया। तब तत्कालीन सदस्य एक थे, उन्होंने भी कहा कि क्या आपने जीवन भर का ठान लिया, ये जो नक्शा आप दिखा रहे हैं ये जल्दी पूरा नहीं हो। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मात्र 10 वर्ष आप उनको दीजिए, मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा। और ठीक 10 वर्ष वह प्रारूप, वह छप्पर का विद्यालय, वो टाइल्स का विद्यालय पूर्ण रूप से पक्की छत, ये तो हमारी बात है, प्रमतन की बात है। लेकिन एक चुनौती आप सबको भी, काफी दिनों से हम सब परमतंत्र के लोग आपसे एक डिमांड करते हैं। कुछ पुराने लोग उसको, उनको स्मरण होगा, महात्मा गांधी का नाम इस तरह से आप सब बहावे कि दूर दूर से लोग यहां प्रवेश के लिए आवे। जब आप विद्यार्थी को अपने तन मन धन तीनों से सिंचित करेंगे, तो निश्चित रूप से आज जो कहा जाता है कि मंडल का सबसे बड़ा विद्यालय, शिक्षक के रूप में भी, शिक्षा के लिए भी ये जाना जाए समाज में कि नहीं भाई, शिक्षा में मंडल का अद्वितीय विद्यालय। उस सन 44 में जो बीजारोपण श्रद्धेय बाबू बैजू सिंह ने किया, आज वो इंटर कॉलेज देखें, डिग्री कॉलेज देखें, नर्सरी देखें, और आप सबके बीच बड़े हद से यह भी कहना चाहता हूं कि भगवान चाहेगा तो 15 अगस्त के पूर्व आपकी एक नई संस्था राणा प्रताप विधि महाविद्यालय कुड़ेभार में बन के तैयार हो। उस विद्यालय को भी अपने पूर्वजों ने जो बात, जो हाथ में सौंपी है,
इच्छा यह है कि आने वाले समय में ज्यादा नहीं 6 वर्षों के अंदर वह विद्यालय विद के क्षेत्र में अद्वितीय विद्यालय होगा और लोग उसमें प्रवेश के लिए लाइन लगा के खड़े। काम करना पड़ता है और आप सबको दो बातें और बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क के दिमाग में भरा हुआ कहा जाता है। शिक्षा का अर्थ सूचनाओं का संग्रह रहता है, उसी को आप विद्यार्थी को देने का प्रयास करते हैं। लेकिन शिक्षा, वास्तविक शिक्षा वह है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो, ऐसा आपको विद्यार्थी तैयार करना चाहिए। मैं ज्यादा न बोल के हमारे श्रद्धे बाबू सुमनायल सिंह जी ने और अशोक भाई ने याचक के रूप में शैलेन भाई के आगे अपनी भावनाओं को रख दिया है और मैं जो हमारा और आपका साथ रहा है लगभग 30-32 वर्षों का संबंध हमारा और शैलेन भाई का है, वह अपने गुरु दक्षिणा आज देंगे। आपको यह भी जान के प्रसन्नता होगी कि वह इसी विद्यालय के छात्र भी रहे। आज हम सब वक्ता सामने बैठे भाई सब ये चाहते हैं कि आप हमको गुरुदक्षिणा, क्योंकि आप जब से यहां पढ़ के निकले इस रूप में हम सब ने आपसे कुछ नहीं मांगा था और योजना जो है उसमें भाई शैलेन जी का साथ मिलेगा। अगर साइंस फैकल्टी हम लोग बाहर से अंदर प्रांगण में कर लें तो निश्चित रूप से एक बालिका विद्यालय जिसकी बहुत क्राइसिस है सुल्तानपुर में, वो क्राइसिस दूर करने के लिए हम सब बालिका विद्यालय इधर के प्रांगण में कर सकते। इसके लिए शैलेन भाई जैसे मनीषी से बढ़िया और कोई व्यक्त नहीं, इसलिए इस प्रेरणा भवन अपने तीनों अध्यक्षों को समर्पित करते हुए बाबू बैजू सिंह, बाबू राम सहाय सिंह, बाबू धनंजय सिंह की याद में इसका नाम प्रेरणा दिया गया है और यहाँ पृष्ठ भागों में कालांतर में तीनों व्यक्तियों की प्रतिमा यहाँ लगाई गई, जिससे आप देखें कि तीनों अध्यक्ष हमारे हमको देख रहे हैं। कोई गलत कार्य करने से आप संकोच करें और जब आपके दिल में भावना हो जाए कि हमारा विद्यालय अभी तक तो मंडल का कहा जाता है, कालांतर में हम इसको प्रदेश स्तर का बनाएंगे, ऐसी शुभकामना देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।